प्रभाते प्रभ नाम जप, गुरु के चरण ते आए, जन्म मरण मल उतर साचे के गुण गाए, जन्म मरण मल उतर साचे के गुण गाए, जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अपर अपार मेहरामत, सवेर समय सतसंगत दे पल सानू प्राप्त होए ने, प्रभात समय दे दीवान विच आसा की वार दा कीर्तन होया, अरदास दी शमूलियत दे नाल अज दा हुक्मनामा गुरवाक ज्ञानी जी ने सानू पाठ रूप विच सरवण करवाया है। ये पावन बचन सोरठ की वार महल चौथे की उसका हिस्सा है। दो श्लोक एक पौड़ी इस समुचा पैकेज है जिस हुक्मनामे के रूप में सानू प्राप्त हो रहा है। श्लोक गुरु अमरदास साहब ने उचरित किए ने, पौड़ी क्योंकि वार महल चौथे की है इस करके गुरु रामदास साहब द्वारा उचरित की गई है। आओ मर्यादित ढंग दे नाल इन्हां गुरु बचनां दी तकरीर प्रारंभ करिए। सब प्रेम फतेह बुलाई प्रवान करनी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक प्रारंभ हो रहा है, श्लोक महला तीजा। माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया, मनमुख खादे गुरमुख उबरे जिन सच नाम चित लाया। माया ममता मोहनी, गुरबाणी ने हर चीज़ नो बड़े सफाई दे नाल बड़े शीशे की तरह साफ करके साढ़े सामने बयान किया। यह गुरबाणी की खासियत है। जो असी खास करके भारतीय खिते दे विच जो ईस्टर्न स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ थॉट आसी देखते हाँ, तो सानू हजारा हजार साल इतिहास मिलता है। हजार हजार साल तो उत्थे रचिया रचनावां मिलदिया ने, या ईवन मिडल ईस्ट भी बहुत कुछ ऐसा पैदा होया जिहड़े धार्मिक लिटरेचर है, लिखावटां ने, किताबां ने, सब कुछ। पर जदों भगतां दी रचना पढ़ीए तो बयान करदे ने कि वेद कतेब इफ्तरा पाई दिल का फिकर ना जाए। ये रचनावां मोस्टली इफ्तरा है। इफ्तरा का मतलब यह होंदा है कन्फ्यूजन। बंदे नूं सीधे तौर पर स्पष्ट रूप दे कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो कन्फ्यूजन के विचों धर्म नहीं परम पैदा होता है। वो नाल बंदा अक्सर या तो किसी रिचुअलिस्टिक साइड में चला जाता है, या किसी सुपरस्टिशियस बिलीव सिस्टम ट्रैप हो जाता है, या जो जीवन दियाँ असल जरूरतां ने उन्होंने सही रूप में एड्रैस नहीं कर पाता। मतलब धर्म कर्म भी कर रहा है, पाठ पूजा भी हो रही है, पर उदा प्रभाव उदा जीवन ते असर असरार इस करके नहीं पै रहा क्योंकि कोई भी चीज़ मेक सेंस नहीं करती। उदे नाल सही तरीके नाल ना रैशनल माइंड जुड़ पाउंदा है, ना प्रैक्टिकल लैवल ते उस चीज़ नूं अडोप्ट कर पाउंदा है। सो इस सब दे विच फिर धर्म एक भुलेखा भरम दे तौर ते इफ्तरा रह जाता है। गुरु साहब ने जो बाणी रची है इहदे च कोई इफ्तरा कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं छड्डी। हर चीज़ नू बड़ी साफ गोई दे नाल, बड़ी पारदर्शिता दे नाल, बड़े ट्रांसपरेंट वे दे नाल गुरु बाबा जी ने साडे सामने प्रजेंट किया। जी हुण माया दी गल करिए, ते माया जिते भारतीय लिटरेचर दी पुरानी परिभाषा दे चले जाने आ, ते उहदे विच माया रोकड़ है, सोना चांदी हीरे जवाहरात माया है, माया
घर परिवार है, स्त्री बच्चे ने, माया ये संसार है, माया जाल है, इहदी बात आउंदी है। गुरु बाबा जी ने कहा इन्हां चों कोई चीज़ भी माया नहीं गी। माया असल विच बंदे दी बिरती है। जे बंदा सही रूप विच अपने अंदर दी सुरती बिरती नूं लै आवे तो वह इस जगत विच जिन्हों असीं माया कहिंदे आ इहदे च मुक्त हो सकता है। जिन्हों असीं बाणी च इस तरह पढ़ीए, गुरु नानक साहब सिद्धां नूं जोगियां ने बात कहिंदे, जोगी हो पहाड़ां च क्यों बैठे हो, कंदरां च क्यों बैठे हो, लुक के क्यों बैठे हो इत्थे? वह कहिंदे बाबा बाहर माया है, माया खा जाएगी, घर नहीं जा सकते। क्यों? घर घर बच्चे ने, स्त्री है, संसार है, उत्थे कारोबार है, ये सब चीज़ां ने जिदे विच लालच आएगा, हवस आएगी, हंकार आएगा, वाशना आएगी, मोह आएगा, बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां आउणगियां जिहड़ियां जिंदगी बर्बाद कर देणगियां। इस करके लुक गए हैं, ना उस जगह ते जाना है, ना उस किस्म दे क्रोध विच, वाशना विच, अहंकार विच, लालच विच, तृष्णा विच, ईरखा विच, द्वैख विच जियांगे। बच गए, जीवन सारे का सारा बचा हो गया। गुरु बाबा जी कहिंदे इस तरह नहीं हुंदा। ये संसार कुदरत ने बनाया, इस करके नूं जीना है, मानना है। पर बाबा ये संसार, ये पता, ये गाब है, ये दलदल है, इट्स लाइक ए स्वैंप, गारा या सारे का सारा। ये पैर धरांगे, तसांगे, लिबड़ांगे, विच डुब जावांगे, बच नहीं पावांगे। गुरु महाराज ने फिर मसाल दिती, जोगियो आओ मैं तुहानू दसदा किवें रहना है। किवें रहना है बाबा? जैसे जल में कमल निरालम, मुरगाई नैसान है, सुरत शब्द फवसागर तरीय नानक नाम बखाण है। जिमें पानी दे विच कौल दा फुल रहिंदा आ, जिमें मुरगाबी पानी दे विच तरदी है, एवें रहना है। ये है असल सुरतयाब होने की गल। एवें संसार विच रह, इत्थे कम कार धंधे रिश्ते नाते संबंध सब निभाने ने, पर निर्लेप हो गए। निर्लेप होने का मायना यह है कि जिवें कोई मदर नेचर का एक सीधा क्राइटीरिया है, जिन्हों से एथिक्स कहने, जिन्हों से प्रिंसीपल कहने। बंदा मेहनत करे, मेहनत के इवज विच उसनू कुछ सरमाया मिले, जिहड़ा संसार ने जिस किस्म की करंसी जो चीज़ा चलाईया ने उहदे नाल अपना संसार चलाए, उस संसार विच असूल पाले, उन्हां असूलों की प्रतिपालना नूं धर्म मन्ने, इस तरीके नाल चले, संसार सुखमई होएगा, संसार खुशनुमा होएगा। पर होए कि बंदा मेहनत ना करे बल्कि गुनाह करे, झूठ बोले, जमीर फरोश हो जाए, बेईमान हो जाए, जमीर वेचन लग जाए, मतलब ये सब चीज़ां जिहड़ियां ने ये है माया। तो ये माया जाल ये फस जाता बंदा ये विच, क्योंकि संसार मिठा लगता है। इत्थे फिर मेहनत करके चीज़ घट बनती है, झूठ बोल के वधिया बन जाती है, बंदा कहिंदा आ ठीक है। बंदे कोलों किसी चीज़ ते पहरा दे के, मतलब ये कोई असूलों ते पहरा दे के उदली हार्ड हुंदा आ, पर जे असूलों तो टुट जाए, बेईमान हो जाए, तो फिर उन्हों कोई संसारक पदार्थ प्राप्ति वध मिल जाती है। बंदा कहिंदा आ ठीक है। साहब कहिंदे ये माया है, ये बिरती होनी नहीं चाहिदी। ये बिरती मैल है, ये कूड़ है, ये दलदल है, ये टुट जानी चाहिदी है। पर हुंदा की है, इहदे ते ममता हुंदी है, इहनूं असी तोड़ नहीं सकते, इसनों असी अपने तो दूर नहीं कर सकते। जिमें किसी चीज़ में मैल लगी हुए तो मैल लाण लग्या बंदे लगे ना ना ना, ये तो जोर पै जाएगा। बर्तन ही है मांजन लगे हो, थोड़ा जोर ला के उसनू रगड़ोगे तो उदे ते असर होएगा, उदी मैल लहेगी। तो जे ममता करोगे मैल ते, फिर सच्चाई ये है मैल डोमीनेट कर जाएगी। मैल जिहड़ी है उहदा वजूद ही गवा देगी उस रूप दे विच। ये माया भी बिरती जोर पकड़ गई। जदों किते कुरबाणी दे असूलात्मक पक्खां नूं पढ़दे हां, हक पराया नानका उस सूवर उस गाए, गुरपी रहा माता परे जा मुरदार ना खाए। हुण महाराज ने कहा हक हकूक दे उत्ते पहरा देना आ,
पराया हक नहीं मारना, झूठ नहीं बोलना, इन्हां चीज़ां दे उत्ते असूलां दे पहरा देना आ। ये चीज़ बंदे नूं जदों प्रैक्टिकली करन दी बात आई कहिंदे नहीं 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 आपां ये कम नहीं करना। पर हुण होएगा कि जिहड़ी बिरती इस कम तो रोक रही है वह मैल है, जिहड़ी ये कह रही है कि भाई गलत हो रहा तो होण दे, तेरा फायदा हो रहा। हुण ये जिहड़ी बिरती है इत्ते ममता करांगे तो लगेगा चंगा, हाँ वधिया हो गया। क्यों? क्योंकि वैसे तो मन कहिंदा सीगा भी ये झूठ है, ये धोखा है, ये किसी का हक मारना है, पर फायदा किन्ना होया, किड्डा वड्डा अंबार लग गया रिजक दा, पदार्थ दा, होर चीज़ां दा। सब कहिंदे ये माया ममता मोहनी जिन विण दंता जा खाया, ये दंद कोई नहीं है, इहदा पता नहीं लगता, कोई बंदे दे उत्ते असर असरार सीधे तौर पर नहीं हुंदा। पर हाँ लौंग रन दे विच जिन्हों भगत फरीद जी ने कहा सीगा कि देखो बंदे दी की हालत आ, फरीदा लोड़ है दाख बिजूरियाँ किकर बीजा जट, कैसा किसान आ बिजोर देश दियाँ दाखा मंग रहा है, बहुत मिठियाँ दाखा, सब तो वधिया अंगूर मेवे खाण नूं मिल, किकर बीजा जट, किकर बीज रहा किसान, किकरां दे बीज खिला रहा, हंडा है उन्नक ताएं दा पैंदा लोड़ा है पट, किवें हो सकता है। जो बीज रहे हैं अल्टीमेटली तो उन्हें वढ़ना है, उस चीज़ का ही तेरे तेनों फल मिलना उस रूप दे विच। इहनूं दानिशमंदां ने इस तरह कहा, जदों बंदा इहो जी माया ममता मोहनी बिरती च हुंदा है उन्हूं पता नहीं लगता, वह बहुत शिकार हो जाता है इहदा। वह कहिंदे जदों किकरां दे बीज देखोगे ना तुसीं ते वह बड़े मुलायम हुंदे ने, उन्हों हत्थां च फड़ोगे उन्हों कोई कंडे नहीं, बिल्कुल ऐन नरम मुलायम ने बिल्कुल, उन्हों तुसी जेब च पा लो बिल्कुल कुछ भी नहीं। हाँ जिवें तुसी वो अपनियां जेबां विचों अपने हत्थां विचों कढ के जमीन विच बीज दोगे, फिर जिवें जमीन उन्हां नूं अपनी मोश्चर दे नाल अपनी गरमाइश दे नाल पैदाइश विच लैके आएगी। मतलब जिहड़े असीं कर्म करदे हाँ, जिहड़ा काल आ जिहड़ा मदर नेचर दा बनाया होया कानून आ, ये उसनों फिर पैदाइश विच लैके आउंदा। मतलब बंदा ये सोचता ही नहीं, कीता होया कम, कीती हुई गल, बात, अमल, हर चीज़ ये फल पैदा करती है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, इन्ने सिट्टे पैदा करने ने। जो उस रूप में सोचता नहीं करी जाता है, फिर थोड़ा अगे जाके वेखदा पिछे मुड़ के, ओ हो ये संचित कर्म हो गए, ये तो हुण कर्मां दा फल भुगतना पएगा। ये तो फिर उत्थे जाके बाबा जी कहिंदे फिर अहसास इन्ना ही रहिंदा वी दद्दा दोस ना देऊं किसै, दोस कर्मां अपने, जो मैं किया सो मैं पाया। इन्नी भी समझ बड़ी वड्डी गल आ, पर जे महाराज कहिंदे जे पहला अहसास हो जाए, ये विण दंता, ये दंद कोई नहीं है, ये दंद नहीं दिस रहे, ये बिरती खा रही है, ये माँ ये बहुत बुरी तरह, जिथे लालच जोर पा जाए, जिथे हवस जोर पा जाए, जिथे बंदे दे कोल कुछ एहो जिहा मौका होए तो बंदा कहे हुण मैं अपने क्रोध का मुजाहरा करांगा, हुण मैं अपने हंकार का मुजाहरा करांगा, वो भले बंदे माड़े बीज बीज रहे हैं। ये लौंग रन दे विच वड्डने पैणगे जिहड़े बहुत तंग करनगे, बड़ा परेशानी आएगी तैनूं इस रूप दे विच। सब कहिंदे विण दंता जग खाया। बाबा ये गल सुन के तो संसार बड़ा डरावना लगता है, लगता की बनेगा। जिन्हों असी मिठा मिठा करते हैं, जिन्हों साहब ने कहा कि हकीकत यह है मिठा करके खाया कौड़ा उपजा साध, मैं तो खा रहा सी मिठा मिठा समझ के, स्वाद इन्ना कौड़ा, ओ हो आफ्टर टेस्ट इस किस्म की कुड़त्त नाल भरिया होया, हुण की बनेगा। बाबा जी ने कहा सारे नहीं, आस की किरण कदी मरदी नहीं, ऑप्टीमिस्टिक जोड़ा ऑप्टीमिस्टिक रंग है वह कदी फिक्का नहीं हुंदा बाणी दे विच। सब बयान कर दे सच्चाई ये है, ये जिहड़ी माया ममता मोहनी है जिहड़ी बिना दंता तो खा रही है, मनमुख खादे जिहड़े मन दे मुरीद ने, जो मन कहिंदा मन आईयां कर दे, जिहड़े मन नूं होड़दे नहीं गे, क्योंकि बाणी तो बाहर दा बचन है पटां दा सवैया है, मन लोचै बुरे आईयां, ये बुरा लोचता है, इनू बदी पौंदी है, इनू बदी चंगी लगती है, पर जो एहो जी बात होए ना तो बाबा जी कहिंदे तेनू सच दसा तेरा फर्ज की बनता, कुटन सोई जो मन को कूटा है, मन को कूटा जमते छूटा, कुट कुट मन कसवटी लाए,
भाई ये नाल तो फिर सिजना पाएगा, तो सिजेगा तो कोई गुरमुख ही ना, क्योंकि जे मनमुख हो गया, जो मन आई वह सुन ली, जो मन ने क्या मन ली, फिर तो गड़बड़ हो गई। जो मन कहिंदा है उसनू गुरु की बात दे नाल नाल मैच किया, टैली किया, देखिया ये मिसमैच हो रहा है, मेरा गुरु कुछ होर कह रहा है। कहे गुर अवर करें हम अवरा, गुरु कुछ होर कहे मैं कुछ होर करा, मिसमैच हो गया। ये तो बात बनी नहीं, यदा मतलब मनमुख हो रहा है, मन का मुरीद हो रहा। ना ना मना तेरा जोर नहीं चलन देना, क्योंकि मैनू पता आ कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, जिन्हें तेरे ते विश्वास किया ना मना, ओदी बेड़ी च तू वट्टे पाए के पाए, उन्हों तू डोबिया के डोबिया। इस करके कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महामोहनी मोहया नरक की रीत। ये जड़ी महामोहनी बड़े चमकारे मारती है ना मना, ते तेनू बड़ा तिलिसम लगता है जिदे मगर भज रहे हैं तू, चेते रखी नरक की रीत। ये नरक कोर का द्वार है, इसने उत्थे लै जाना है जिथों वापसी नहीं होनी, जिथे स्वाय नरक तो कुछ होर भोगन नहीं गा। मनमुख जिहड़ा मन का मुरीद आनू यह सिट्टा नहीं दिसदा। जिवें बाबा कबीर जी ने बयान किया ना, कबीर हरसों हीरा छाड़ के करें आन की आस, जिहड़ा असल राह सी हरी वाला राह, जिंदगी तो जीनी है, सलीके नाल जी लो, तरीके नाल जी लो, असूलों नाल जी लो, रब दे पहज जी लो, गुरु की मत लैके जी लो, चंगेरियां दी संगत करके जी लो, शोभनीक असूलों नाल जी लो, यही जिंदगी है। बंदा कहे नहीं नहीं नहीं, हरी दा राह नहीं, रब दे पहज नहीं रहना, यह निर्मल यह राह नहीं अपनाना। भगत कबीर जी कहिंदे फिर रविदास जी ने कोई झूठ थोड़ा क्या है, हरसो हीरा छाड़ के करें आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे। सत पाख है रविदास, उन्होंने दोजक तो कौन बचाएगा, नरक की अगन तो उन्होंने कौन बचाएगा। यह मैटाफोर आ, यह दसिया वह बंदे मरण तो बाद नरक, मरण तो बाद दोजक कितने लभदा फिरेंगा, इत आ जा इत विखा दें। अमल ही स्वर्ग है, अमल ही नरक है, कर्म के उत्ते जिहड़ा ध्यान दे, जे ध्यान देंगा जिथे मन प्रेर रहा उत्थे जाएगा मारिया जाएगा, क्योंकि मन मन ते माड़ियां मनौतां संस्कारां दा एक पुलंदा बन जांदा है, कि लगाते जाके उसनू कूड़ प्रभावित करता है, सच प्रभावित नहीं करता। सच प्रभावित करता है मत नू, सच प्रभावित करता है इंटलैक्ट नू, सच प्रभावित करता है जिहड़ी साढ़े अंदर की सत्यता आ, जिहड़ी उसी रूह की आवाज़ कहिंदे आ, उहदे नाल जे वह आवाज़ तेरे अंदर सरबुलंद होएगी, उच्ची होएगी, फिर तैनू लगेगा ना कुड़ियार नहीं होना, सचियार होना है। तो जिहड़ा सचियार होने वास्ते तुर पिया उन्हें कहा, बिना शक किते बेईमान हो के, किते दगेबाज हो के, किते धोखेबाज हो के, कुछ फायदे भी मिलते ने, लौंग रन दे विच नरक तो बिना होर कुछ नहीं हैगा। सो इस करके वह बच गया, उस ममता तो बच गया, इस नागणी दे प्रभाव तो बच गया। क्या मनमुख खादे गुरमुख उभरे, बाबा जी है तो गल ठीक, पर आखिरकार ये बात बनती किवें है? साहब कहिंदे इस करके जिनी सच नाम चित लाया, क्योंकि गल तो चित लाउण दी है ना, जिहड़ी चीज़ चेते विच आ गई, चित विच वस गई। जे सपोज कोई चीज़ भी है, और क्या कमाल है बाणी वैसे, बंदा किस इस तो शीशा साफ की करांगे। महाराज बयान कर दे, भगत फरीद जी का बचन असीं पढ़दे हां, फरीदा कोठे मंडप माड़ियां इतना लाए चित। जे सिर्फ कोठे मंडप माड़िया ही वेखी जाएगा तो उन्होंने मगर कमला होकर भजया फिरेगा, होएगा कि होएगा ये जौंदा भूत बन जाएगा। जिन्हों क्या ना, अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मैं जे मरै, प्रेत जोन वलवल उतर है, जौंदा ही प्रेत बन गया। हुण हालत यह है अंदर दी दुनिया दे विच हर वक्त उही चीज़ तुरदी है, तुर रही है। फिर की किया जाए? सब कहते अगला भी चीज याद कर लिया कर। कल ही मैं कुछ पढ़ रहा, अगों दे जे चेती है तो कायत मिले सजाए, कि सज्जन ने कुछ इस किस्म की बात लिखी सी। हकीकत आ जो भगत फरीदिया शब्द बचन कह रहे, एग्जैक्टली इस चीज़ को दोहरा रहे। वो कहते फरीदा कोठे मंडप माड़ियाँ इतना लाए चित, मिट्टी पई अतोलवी कोय ना होसी मित, अतोलवी मिट्टी, क्योंकि उन्हों का जोड़ा विश्वास वो क्रिमिनेशन नहीं होंगी, बरिड किया जाता, दबिया जाता।
तो जो दबण लग्या कबर पट्टी जाती है थले लोथ रखी जाती है तो उत्ते मिट्टी पाउन लगी थी। कोई थोड़ा तोड़ के पाँदा भी नहीं 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 इन्हें सारी उम्र 40 किलो तो वध वजन नहीं चक्या, मिट्टी 41 किलो ना हो जाए उत्थे कोई केयर नहीं करता। क्यों? क्योंकि पता थले भी मिट्टी है होना, जिन्नी मिट्टी पई अतोलवी बिना तोली मिट्टी पाई जाती है। बंदे जीवन रहिंदिया इहदा अहसास कर, चेते च ये रख, ये संसार जिउंदियां दा इस खास करके कारज है। इत्थे इहो जिहा कर्म नहीं करना, भावें कोठे मंडप बनाउणियां ने, भावें परिवार बनाउणा आ, भावें कोई रुजगार कारोबार बनाउणा आ। जिहनूं गुरु साहब ने कहा सी इह कुटुंब तुझे देखदा चलै नाहीं तेरे नाल है, साथ तेरे चलै नाहीं तिस नाल, क्यों चित लाई है। हुण जदों चित बहुत ज़्यादा टब्बर च लग गया फिर बंदे नूं भुल गया की करना है की नहीं करना। ऐसा कम मूले ना कीजे, इहो जिहा कम मूलों नहीं करना जितंत पछोता ही, नहीं तो अखीर पछताउणा पएगा। सो साहब बयान कर दे जिनी सच नाम चित लाया, जिदा चित सच्चे च लग गया ना, उन्हें कहा ना 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 ना, ये वक्ती तौर ते ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। ये कोई पहली गल थोड़ा आ, इहो जिहे घर कई वसाए ते कई उजाड़े, किन्नी वरी जम्मे किन्नी वरी मरे। इस करके ये मौका बनया आ, इस मौके दे विच इस जीवन जे थोड़ी बहुती समझ आ, इस माया ममता विच पै के असूलों तो नहीं डिगना। इत्थे फिर सच नाम चित लाया, चढ़दी प्रभात फिर याद आउंदा कोई ना, करतार करतार करदे आ, गुरु गुरु करदे आ, रब रब करदे आ। डुबदी शाम लगदा है जो दिन निकलिया बहुत वधिया निकलिया, रात आई अदाता तेरे पाणे च बतीत होए। उहदे अहसास नूं एक निरभयता का सुनेहा सोहिला गाउंदिया होया, तुम गावो मेरे निरभउ का सोहिला, हों वारी जित सोहिले सदा सुख होए, सदा ही सुख आ, कादियां घबराहटां कादे डर। डर ते इथों तक वैसे रात ना डरता है, रात ना हनेरे दा है, रात ना नींद दा है। ते आप देखोगे बच्चे नूं जदों संसार दा एक्सपोजर मिलता है ना थोड़ा जिहा, बच्चा सोना नहीं चाहुंदा। आप कदी देखियो इस चीज़ नूं, उहदे दो कारण ने। एक ते ए उहनूं लगता है जे मैं सो गया ते मेरी ते दुनिया सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनिया ते जाग दे दी है। किन्ना कुछ आ, माँ आ, पिता आ, इनियां गेम्स ने, टोयज ने, आ खेड खड़ाउणे ने, घर आ मिठा फिक्का खाण नूं, किलकारियां पर किन्ना कुछ आ। आपां ते नहीं सो सकदे, जे सो गए ते सब खत्म हो जाएगा। इस करके उह नींद नूं थोड़ा जिहड़ा अवॉयड करदा है, उहनूं पुश करदा है। दूसरा जिवें थोड़ा होर अगे वधदा है फिर संसार दे विच्चों डर भी आउंदा आ, ते उह डर दिने ते किते ना किते थोड़ा बहुता बंदा भजाई रखदा है। जदों नींद च जांदा है फिर उह डर सुपना बन के आउंदा है, फिर जो सुपना बन के आउंदा है फिर तुसीं देखोगे बच्चे एक एज दे पड़ाव तो बाद आउंदे ने, डर डर के उठदे ने, चीकां मारदे ने, मतलब फिर जिहड़े माँ बाप ने आले दुआले फड़दे भी ने, बिठाउंदे ने दुबारा। कई बार बच्चे नींद च रो ही जांदे ने, इह की है? क्योंकि कारण यह है फिर वह नींद पै देती है, डर देती है। सब तो वड्डा डर उस वड्डी नींद दा जिहनूं मौत कहा गया है, बड़ा डर आउंदा है, बंदे लगता है की बनेगा, क्योंकि ये तो सब चीज़ां खत्म हो जाएगी इस रूप दे विच। जिन्हें सच नाम चित लाया, जिदी चितवनी च ये बात सच दी आ गई, हकीकत नूं वेख लिया सही रूप दे विच, इस संसार दे विच लैण देण दे मेले ने। इत्थे अपना फर्ज बड़ी ईमानदारी नाल, बड़े ऑनेस्ट वे नाल निभाउणा आ। बाकी जो करतार नूं पावे सीधे तौर ते एक डिटैचमेंट बैरागमई हालत निर्लेपता दे नाल जीवन जी रहा है। सब कहिंदे उह तां हो पाएगा जिनी सच नाम चित लाया, जिनूं सच विच चित लाण दी जाच आ गई। फिर क्या बिन नावें जग कमला फिरे। हुण जिहड़ियां गल्लां आपां कीतियां सारियां इह संसारी लोकां वास्ते ते कमलियां गल्लां ने सारियां। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਮਲ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਲੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਟਸ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੈਟਸ ਦੈਟਸ ਅਨਐਥੀਕਲ, ਦੈਟਸ ਐਕਚੁਲੀ ਦੈਟਸ ਨੋਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਅਡੋਪਟ ਇਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਾਗਲਪਣ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ,
ताप चढ़न का मतलब होंगे गर्मी बढ़ जानी, जो बुखार चढ़ता है साडा टैंपरेचर हाई हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, वट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? आ मिट्टी है सारी, आ भी मिट्टी है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंड है, जो खोजा सो पावे। ब्रह्मंड ते पिंड का रिश्ता आपस में, जे पिंडे नू ताप चढ़िया तो डेफिनेटली खराब हो जाएगी चीज़ सारी। असी कहना ना ना, पिंडे नू ताप नहीं चढ़ना चाहिए। जिस ग्लोब ते रहन नू ताप चढ़ रहा है, ये तप रहा है, बुखार है इनू बहुत ज़्यादा। तो बंदा कहिंदा नहीं नहीं, ये किहड़ा बुखार आ, कोई कोई गल ही नहीं है, ये की है, ये कमलापन है। असी सिक्खी दे आशे च पढ़ते हाँ, महाराज बयान करते पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत। क्यों एहसास नहीं करता इस गल का? जिदे उत्ते पैर रख के तुरदा है, जिदे वजूद च तेरा वजूद मरजिया, जिन्नी केयर यदी करदा उन्नी केयर ही कर, तां बचेगा। यदि बहुत केयर आ, मतलब इंज कह लो कि कमलापन किनू कहने से, कमलापन इस चीज़ को कहने कि सपोज करो कोई घर आ, तो घर के एक बंद सेंस नहीं है, मतलब उन्हें समझ नहीं है, तो उत्थे वो अपनी कोई कॉर्नर आ, उस कॉर्नर तो बड़ा साफ करी जाता है, संभाली जाता है, बाकी बाकी सारे घर को तोड़ी जाता है। की कहोगे तुसी? कमला आ, इन्हू पता नहीं गा सारा घर अपना आ। भाई इन्हू यही तो पता नहीं है, जे बंदे नू पता होए साढ़े सारिया की होनी कट्ठी है, वजूद कट्ठा आ, ये सारी जिहड़ी धरती है, ये सगली धरती साधकी, असी सारे इनकलूड हाँ, असी किसी ने एक्सकलूड नहीं कर सकते, असी जुदा नहीं हो सकते, ये सब चीज़ा एक दूजे जुड़िया हुई ने। इस करके उही काम करिए जिद नाल सब दा भला आ, उहदे च ही मेरा भला आ। पर यह गल संसार कहिंदा है, ते कमली गल है। बाबा जी कहिंदे जिहनूं समझ नहीं आउंदी उह कमला हो गया, उहनूं इह पता नहीं लग रिहा मैं आले दुआले नूं अग ला के, लांबू ला के, आले दुआले नूं लुट के, आपले दुआले नूं तोड़ के, आले दुआले नूं बर्बाद करके आप सुखां दा साह लवांगा, किवें लवांगा? नहीं लै सकांगा। सब कहिंदे इह क्योंकि नाम दी समझ है, इह नाम विजन देंदा है। जदों नाम है नहीं, मतलब सपोज करो अखां ते है नहीं, हुण लोह ते है नहीं, सोझी है नहीं, अकल है नहीं, तो सब कहिंदे बिन नाम है जग कमला फिर। इस करके कमल कुदरे आचार छपेरे, अदरवाइज बंदे बंदियां नूं मारन वास्ते महंगे महंगे हथियार बना रहे हैं। मैं तो दो रोज़ पहला न्यूज़ सुन रहा सीगा कि जिहड़ा हैगा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, वो ये कह रहा है कि वी नीड मोर न्यूक्लियर वैपन्स। कोरोना वायरस से दुनिया लंघ रही है, हालत यह है, अद्धे तो वध दुनिया के बिजनेस शटडाउन हुए हैं, बुरा हाल है सब। वो कहिंदे नहीं नहीं नहीं, साढ़े वैपन बहुत पुराने हो गए ने, आपां हुण नवे न्यूक्लियर वैपन बनाने ने। की कहोगे सुनो? यही कमलापन है, हथियारां दी होड़ लगी है, कदे लई मारना है, किनू मारना है? आले दुआले के गवांढियां नू मारना है, गवांढ विच रहिंदे लोकां नू मारना है। अज जिहड़ा नैशनल हुड सो काल लिया ना, ये गधे की बिरती बाणी कहिंदी है, बाणी कहिंदी है गर्दब प्रीत भसम संग होए। शब्द पढ़ते हैं हमरी भूम कौन काल है पैर, अब लकीर खिंचती इधर मेरी लकीर हो गई, तो इधर तेरी हो गई, इधर पैर रख के विखाए। बस जे पैर रख्या नहीं तो परलो लिया देंगे संसार दे विच। की हालत है, कमलापन बच्चे करते छोटे छोटे आवे, तुसी घर थावां ते देखदे तुसी उन्हूं कहिंदे हो कि पागलपन है, किवें दीआं खेडां खेडदे हो तुसी? भले अपने वाल भी वेख लो माड़ा जिहा, थोड़ा देखोगे इत्थे गैंग्स गैंग्स लड़ते। मैं प्रिजन च काफ़ी लंबे समय तो इनवॉल्व हाँ, मोस्टली जिहड़ा हैगा गैंग वार दे नाल इनवॉल्व, जिहड़े वायलेंट बिहेवियर च जाते यंग बच्चे, यंग अफेंडर्स वो होंगे उत्थे, उन दी गल्लां सुन के हासा आउंदा। ओ मेरे बिकॉज दे वर थ्रैटनिंग पीपल ऑफ माई ग्रुप एंड दैट्स वाई आई किल्ड देम। हद हो गई, अच्छा तेरे ग्रुप के लोग हो गए दूजे ग्रुप के, तेनू पता है जिवें दी तेरी माँ आ उवें दी उहदी वी माँ आ, तेरी माँ ने तेनू जन्म दिता, पीड़ा सही, पालिया संभालिया, जदों कितें 12, 13, 14, 15 साल का तू होया, माँ ने कहा शुक्र है चलो कुछ पल गया, हुण वड्डा होएगा, तेनू आके गोली मार दे तेरे घर दे अगे। वो
what kind of pain your mom gonna have. Thodi der liye sochta hai, yeah, she's gonna be in sorrow. Think about that individual's mom. Socho de bare. Don't say it. It actually traumatized me. Oh, pale bande. Odo kyon nahi soch rahe jadon odo kyon traumatized hoya. No one have ever told me. Kamla pane hunda. Bande nu ehsaas hi nahi ga. वो कहो जो काम कर रहा मतलब ये संसार की चाल आ सारी ये संसार इस तरह का है गुरु अमरदास साहब यूनिवर्सल जी डायग्नोसिंग दे रहे थे सब बयान करते बिन नाम है जग कमला फिर है की किया जाए गुरमुख नदर ही आया जिन्हों कित गुरु ने मत दी जिदा मूँह गुरु वाल होया नज़र आ गया उन्हें क्या ना ये कम नहीं करना यह कम नहीं होना चाहिए धरती से जी तब्दीली आती है ना गुरु साहब ने सिखाई तब्दीली किवें आउंदी है जिहड़ा दरबारे खालसा कोई 45-50 वरे रहा तो कोई 20 वरे का समा जिहड़ा सिख मिसलां का रहा टोटल 60 साल का समा बनता है इतना आइडियल टाइम धरती के उत्ते कोई कोई सोच भी नहीं सकता जिहदे विच जीरो फनैटिकिज़म जीरो लैवल का जिहनूं असीं अजकल कहिंदे ना भी जिहड़ी हैगी टॉलरेंस घट रही है एक दूजे को बर्दाश्त करन दी हिम्मत नहीं रहेगी बंदे दे विच उस खित्ते दे विच जिदा इतिहास कोई 600-700 साल दा मुगलां दे जुलम नाल भरिया होए ते कई हज़ार साल ब्राह्मणी मत दी धारा दे विच रह के जात पात दी प्रपाटी नूं मनदिया होया शंभुक वर्गियां दे सिर ला के गुजरिया होए उस खित्ते दे विच एक ऐसी मतलब सभ्यता ने ऐसा रंग देखिया जड़ा बिल्कुल ही ह्यूमनटेरियर अप्रोच नाल भरिया होया मानववादी मनुखवादी ये गुरमत ने सिखाई बात गुरमुख नदरी आया जदों कि मूँह सही पासे हो जाए ना गुरु वाले पासे हो जाए बंदे दे अंदरों वित वितकरे सब चीज़ा लाल स्वार्थ हवस मेर तेर ये घटती है जदों ये घटती है सोसाइटी हैल्दी हो जाती है हैल्दी सोसाइटी सुख देती है अनहैल्दी सोसाइटी दे विच जिन्हों से शब्द बड़े शब्द पढ़ते हैं बाणी च साहब कहिंदे कि जे अंधकार सुख कभू ना सोई है राजा रंक दो मिल रोई है भावें राजा है भावें रंक है दोवें ही रोण गए अमीरी गरीबी बहुत असर नहीं करती पदार्थां दी बहुत ही बहुतायत ते उन्हां दी अथोड़ जिहड़ी है ये बहुत असर नहीं करती असर करता है साडा समाज का माइंड सैट की है समाजिक बंतरां की ने इत्थे साहिब बयान करदे गुरमुख नदरी आया बाकी गल रही धंधा करत्या नहीं फल जन्म गवाया धंधा करत्या जिस रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट दे च गुरु बाबा जी ने पहला प्रिंसीपल पाया किरत करनी पहला असूल है सिक्खी का पिलर सब तो पहला पिलर है पहली इट्टे लगाई किरत करनी उत्थे बाबा जी धंधे नूं माड़ा कहणगे आप आईटीआई ला के देखो ये की गल हो रही है फिर बंदा उदों धंध कुटदा है पंजाबी च कहना मतलब जदों बंदे नूं एहसास नहीं गा कम कार धरती दे सारी किरत कार सब दा असल दे विच करन दा कारण की है मायना की है बंदे ने धरती ते कंट्रीब्यूट करना है क्योंकि एनर्जी है ये सारा इकोसिस्टम है सारे दा सारा हर एक छोटे जे मच्छर जी मक्खी का भी अपना रोल है वो अपना रोल प्ले करती इको सिस्टम है तो उसका रोल जो मदर नेचर ने तय किया है उन्होंने इन्नी ऑटोनमी नहीं उन्हें अपना रोल चेंज कर सके सज्जे खब्बे कर सके अपने रोल से पूरी तरह डेडिकेटेड आ जिसन ऑटोनमी दी वह बंदा सीगा बंदा बंदा कंट्रीब्यूट करने की बजाय यह डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है ये काम कार मतलब साढ़े इसे मुल्क दे विच जस्ट जिहड़ा एसो साडे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इन्हें एक तो ये गूगल करोगे तुहानू स्पीच मिल जाएगी यदि इसने इत्थे साढ़े मिसागा ब्रैम्पटन दे विच जिहड़ा बोटल ऑफ वाटर हैगा जिहड़ा बोतल वाला पानी है इहदे उत्ते इन्हें एक आप रिसर्च कंडक्ट करके अपने तौर पर ते एक पूरे पूरे डाटा पेश किया भी आह देखो लोगों ने किवें लुटिया जा रहा है किवें लुटिया जा रहा दस्या जा रहा पानी जिहड़ा ना आ पानी पियो क्यों क्योंकि नॉर्थ च पैक होके आ रहा है
ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ ਮਿਊਨਸੀਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕਲਚਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਟਲ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲਸ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਹੈ ਧੰਦ ਕੁੱਟਣਾ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ ਐਸੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਸੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਕੱਟਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਜੋਹਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਢੋਹੰਦਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗਤੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਵਸ ਉਹ ਭੁੱਖ ਰਾਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਦੁਆਇਕ ਸਾੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਆ ਪਤਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਵਸੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਨਾਂ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕੋ ਦਰਗਾਹੀ ਲੇਖ ਜਾਗਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੂਸਰਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇਹ ਸੋਝੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਜਿਉਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੇ ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਕ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੀ ਬਟਨ ਕਹਿ ਲਓ ਬੈਲੀ ਢਿੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਆ ਉਹ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜੋ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਸਤੂਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੱਥ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰਗੜਦਾ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਕੋਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆ ਬੰਦਾ ਦਾ ਲਾਓ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਛੁਆਇਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਐਵੇਂ ਰਗੜਿਆ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਸਤੂਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਗਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿੱਧਰੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਸਾਰ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ
तू इन्हां नूं जरिया बना के लैण दी ट्राई करदा है, डिपेंडेंसी क्रिएट हुंदी है तेरे अंदर, जे तैनूं अपने आप तो आप लैणी आ जाए लोड नहीं रहेगी। ये एक हायर लैवल की गल आ। साहब कहिंदे ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाणा परम दा परम भुलाया, अमृता जबिक संग्रह करता है आप खुआया, आत्मक जीवन देने वाला राह छड़ दिता। तो यह भी करते का बनाया एक दस्तूर आ, कूड़ ते सच का घोल आ, किसी सच प्रभावित करता किसी कूड़। अगला बचन है, गुरमुख विरले सोझी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया, किसी गुरु वल मूँह करने वाली रूह सोझी आ गई, उन्होंने अंदर ब्रह्म दिस गया, तन मन शीतल होया, रसना हर साद आया, मन करके तन करके शांति आ गई, रसना नूं रब दे नाम लैण दा स्वाद आ गया, शब्द ही ना उपजे शब्द मेल मिलाया। तो शब्द का राह ही एक मिलाप का राह है, बिन शब्द है सब जग बौराना बिरथा जनो। अगेन सेम बात महाराज ने फिर दोहराई डिफरेंट शब्द के लफ्जा के क्या, शब्द तो बिना जगत बौरा है, उत्थे नाम तो बिना जगत बौरा, मतलब शब्द के नाम सिनोनिम इत्थे आ रहे हैं एक दूजे के। अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया, जिस अमृत की भी बात हो रही है, ये भी शब्द विचों ही प्राप्त होना पौड़ी है। सो हर पुरख अगम है कहो कित बिद पाईए, बाकी वो करतार जिदी जिदे नाम की जिदे शब्द के जरिए दी आभा तक पहुँचना। साहब कहिंदे इंद्रिया की पहुँच तो परे है, कोई यह ना विखाए कितने आ रब विखाओ मैनू। साहब कहिंदे ना, सो हर पुरख अगम है कहो कित बिद पाईए, तिस रूप ना रेख अदृष्ट कहो जन क्यों ते आई है। वो कोई रूप रेखा तो है नहीं, अदृष्ट रूप आ, इनविजिबल लैवल से है वो सारा कुछ। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाई है, साढ़े कोल इन्नी एबिलिटी भी नहीं वह गुणगान करने, लफ्जा जोड़ा है वो आइडेंटिफाई कर सकी, मतलब वो इतनी बेअंत हस्ती है, जिस आप बुझाए आप सोहर मार्ग पाई, पर तरस भी वह ही है जिन्हों आप बुझा दे अंदर की बुझारत। साहब कहते फिर हरी दे रात तुर पैंदा है, गुरपुरै विखा लिया गुरसेवा पाई है, भाई पूरे गुरु अगे अरदास करो, हो सकता है वो सेवा का फल ये प्राप्त हो जाए। तो ये जी माया ममता मोहनी है, बिना दंतों तो जी खा रही है, ये तो बचा हो जाए। संसार दे विच निरंकार दे नाल निरंजन नाल जी बात हुई, सांझ पाण की जाच आ जाए। इनिया कु बेनतियां नाल खिमा भुलां गलतियां ना चितारे हो जे ताडी वीराज नगली सेवा वो करनगे। करसान माई पाई की सफलता तो चढ़ती कला की अरदास समाप्ति। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।